लंबे अरसे से रेलवे स्टेशन के समीप आमजन की सुविधार्थ आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया। उद्घाटन के बाद उम्मीद जगी कि लंबे अरसे पुरानी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2019 को उद्घाटन के पश्चात शायद नेता और प्रशासन ने इस समस्या से मुंह मोड़ लिया। खस्ताहाल हालात में पड़े आधुनिक शौचालय की सुध लेने वाला अब कोई नहीं। गेट पर ताला लटका है, वहीं भीतर कई कीमती सामान चोरी हो चुके हैं। कुछ अवांछनीय तत्वों ने खिड़की और रेलिंग को भी तोड़ दिया। 2019 में उद्घाटन पश्चात 4 साल बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली। आखिर आधुनिक शौचालय का उद्घाटन के बाद से गला घोट दिया गया। क्षेत्रवासी सतीश गर्ग ने यह कहा कि आधुनिक शौचालय का कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। यदि प्रशासन इस बाबत ध्यान देवे तो रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले आमजन और आसपास के लोगों को काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिल पाएगी। आपको बता दें कि उक्त आधुनिक शौचालय का उद्घाटन 9 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन सभापति कमला दग्दी के कार्यकाल के में और पारस पंच की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन कार्यकाल पश्चात इस आधुनिक शौचालय की कोई सुध नहीं ली गई। तब से लेकर अब तक उक्त शौचालय बंद ताले के बीच अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। रेलवे स्टेशन के पास ये आधुनिक शौचालय निर्मित किया गया नगर परिषद द्वारा, जिसका उद्घाटन इसके बोर्ड के हिसाब से 9 अक्टूबर 2019 को हुआ है, लेकिन हम जैसे कि बरसों इस एरिया में हमको रहते हो गए, हमने इसे उद्घाटन के बाद से चालू नहीं देखा। लेकिन रात्रि को ताले होने के बावजूद इस भवन के अंदर लाइट जलने का मतलब है कि इसमें अवांछित तत्वों का पगफेरा हो चुका है। अभी हमने देखा है अपने सूत्रों के द्वारा तो अंदर से पंखे गायब हैं, जालियां टूटी हुई है और जो पानी का होद है उसका ढक्कन भी गायब है, जिसकी शिकायत हमने आगे प्रशासन को कर दी है। लेकिन यहां पर कोई व्यवस्था ना होने से हो सकता है कि अंदर लगे हुए अन्य आधुनिक संसाधन जो कीमती हो वो भी चोरी हो गए हों, क्योंकि पीछे से जाली टूटी हुई है और वो जाली के रास्ते ही अवांछित तत्व अंदर जाते हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अतिशीघ्र इस ओर ध्यान दें और जो सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके जनता को सुविधा मुहैया कराई है, उस सुविधा का उपयोग आम जनता को उपलब्ध हो पाए।